नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। आज 17 जुलाई से और 15 अगस्त तक श्रावण महीना रहेगा। इस श्रावण माह में सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। ये भगवान शिव का महीना माना जाता है, तो इसको आज हम बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, मूलांक के बारे में बात करेंगे, वास संबंधी एक महा उपाय बताएंगे और दिन को बेहतर करने के लिए आपको एक सलाह देंगे। लेकिन इस सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 17 जुलाई 2019 दिन बुधवार, श्रावण माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मध्य रात्रि के बाद में 4:52 तक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि में 10:49 तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र लगेगा। विषकुंभ योग मध्य रात्रि के बाद 3:46 तत्पश्चात प्रीति योग। चंद्रमा मकर राशि में और लखनऊ में राहु काल दोपहर के बाद 12:12 से 1:53 तक रहेगा। बुधवार का दिन है, उत्तर दिशा शूल है, यात्रा नहीं करना है। और यदि यात्रा करना आवश्यक है, तुलसी दल खाकर आप यात्रा करें, यात्रा आपकी सुखद होगी। अब आइए वास संबंधी एक महा उपाय जान लें। बुधवार के दिन नीम की पत्तियों को घर में लाएं, बंधन वार लगाएं। नीम का दातून करना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। और नीम की पत्ती जो सूख जाती हैं, उनका धुआं करने पर वास देवता प्रसन्न हो जाते हैं, घर में नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर बड़ा शुद्ध हो जाता है, छोटे छोटे कीट पतंगे नहीं आते हैं। बहुत उत्तम होता है कि नीम की पत्तियों को घर में जलाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं श्रावण माह का महात्म्य क्या है। ये जो सावन का महीना है, ये शुद्ध तत्व को कर देता है, मानव काया को शुद्ध कर देता है। और इसके साथ साथ में मन बुद्धि चित्त को परमात्मा में लगा देता है। श्रावण माह का प्रारंभ, इसके एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा होती है, तो गुरु पूर्णिमा के बाद में जीव जो है भगवतमय हो जाता है और भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। और भगवान शिव की पूजा करने पर जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शंकर के समान संसार में कोई हितैषी नहीं है। और भगवान शिव की उपासना से ही जगत का कल्याण प्रारंभ हो जाता है। इस माह में, श्रावण माह में सोमवार का बड़ा महत्व है। इसी माह में हरियाली तीज आती है, शुक्ल पक्ष में रक्षाबंधन आदि आते हैं। शुक्ल पक्ष में श्रावण की पूर्णिमा के दिन जो 15 अगस्त को है, तो बहुत सारे पर्व होते हैं। और ये पर्व हमें बताते हैं संबंधों को, रिश्तों को। इसमें भगवान शिव की विशेष पूजा करने पर बहुत लाभ होता है। श्रवण नक्षत्र में के कारण श्रावण कहा जाता है। और इसमें साग सब्जी नहीं खाना चाहिए, साग जो साग होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, किसी भी तरह का कोई साग नहीं खाना चाहिए। श्रावण माह में यदि आप सेंधा नमक का प्रयोग करें तो बहुत उत्तम शरीर आपका हो जाता है। श्रावण माह में नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बड़ा कल्याणकारी होता है। श्रावण माह में पार्थिव शिवलिंग का पूजा किया जाए और मृत्युंजय मंत्रों का जाप किया जाए तो परिवार में कैसी भी बाधा है दूर हो जाती है। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योरमुक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। लघु मृत्युंजय का भी जाप करना चाहिए, ओम हौं जूं सः। ये लघु मृत्युंजय है, इसका जाप श्रावण माह में करने पर वर्ष भर के अगर आप जाप करें पूरे साल भर में, तो उसका फल श्रावण माह में एक बार जाप करने बराबर हो जाता है। इतना बड़ा महत्व श्रावण माह में है। श्रावण माह में मिट्टी बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और पार्थिव
शिवलिंग बनाकर पूजा किया जाए। षोडशोपचार विधि से भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराया जाए किया जाए, रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय से पाठ किया जाए तो जीवन में शुद्धता आ जाती है और मनो अनुकूल पदार्थ वस्तु और वह जो भी आपके मन के अनुकूल है मिलने लगते हैं, बहुत कल्याण होता है। आइए पहले चार राशियों का हाल जान लें, अल्पविराम के बाद में श्रावण माह के महत्व पर और चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातक, वाणी में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें। परिवार में अकारण बहस हो सकती है, अचानक यात्रा में आप जा सकते हैं, किसी महिला मित्र के द्वारा धन लाभ होने का योग भी बना है। और आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 8 है, भाग्य आपका 80% है। वृषभ राशि के जातक, धैर्य धारण करें, अकारण चिंता न करें, योजनाबद्ध रूप से कार्य करना लाभकर होगा। मित्रों का सहयोग बना रहेगा, उत्तर दिशा से शुभ सूचना मिलेगी और उत्तम है कि आज के दिन क्रीम रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 78% है। मिथुन राशि के जातक, किसी महिला मित्र के द्वारा धन लाभ होगा। परिवार में अतिथि आ सकते हैं, परिजनों का सम्मान करें। अकारण किसी से बहस हो सकती है तो वाणी पर संयम रखें। सुपारी आज खाना लाभकर होगा। आज के दिन फिरोजी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 6 है, भाग्य आपका 68% है। कर्क राशि के जातक, जीवन साथी से अकारण मतभेद हो सकता है, सोच समझ कर कार्य करें, विचार करके कार्य करना लाभकर होगा। अचानक आज आपको उपहार मिल सकता है, जहां आप काम करते हैं कार्यस्थल पर श्वेत पदार्थों का दान करें और उत्तम होगा कि आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 1 है, भाग्य आपका 51% है। वक्त हो गया छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल के बारे में। सिंह राशि के जातक, अचानक सिर से संबंधित कोई रोग हो जाए या सिर में दर्द हो जाए, ऐसा योग बना हुआ है। आपको भूलने की समस्या आ सकती है, आप कोई वस्तु भूल सकते हैं। धन के लेन देन में सावधानी बरतें, क्रोध ना करें और आज के दिन आपको चाहिए सिल्वर रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 57%। कन्या राशि के जातक, व्यापार से लाभ होगा, तकनीकी ज्ञान से कैरियर में बदलाव होगा, संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी, त्वचा में विकार आ सकते हैं, दही जल में डालकर स्नान करें बड़ा उत्तम होगा। और आज के दिन आपको आसमानी रंग के वस्त्र धारण करना है। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 73%। तुला राशि के जातक, किसी अस्त्र शस्त्र से चोट लग सकती है और विचार करके योजना बनाकर कार्य करें। परिवार में सबके प्रति आत्मीयता रखें। पश्चिम दिशा से शुभ सूचना मिल सकती है। अचानक कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बना है और आज के दिन आसमानी रंग के वस्त्र दोपहर पहले, उसके बाद धानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक आपका 2 है और भाग्य आपका 72%। वृश्चिक राशि के जातक,
सोच समझ कर वार्तालाप करें, जीवन साथी को अहमियत दें। आज मंदिर में जाना लाभकर होगा, भगवान शिव के मंदिर जाएं और पंचामृत का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, लाभ होगा। और छोटी छोटी घंटी आती है, उसको आप नंदी के गले में आप पहना दें तो आपके कार्य बनेंगे और बहुत उत्तम होगा कि आज के दिन आप भूरे रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 3 है और भाग्य आपका 83%। तो आपको बता रहे थे श्रावण माह के महात्म्य के बारे में। शास्त्र कहते हैं कि श्रावण माह ये शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव पूरे माह में उनके नाम का जाप किया जाए तो एक बार नाम लेना अर्थात एक वर्ष के नाम लेने के बराबर हो जाता है। श्रावण माह में बेर का फल, बिल्लो पत्र, यहाँ तक कि आम की पत्ती, गेंदा का पुष्प, करवीर का पुष्प, ये सब बहुत प्रिय हो जाते हैं। शिव जी को चढ़ाना चाहिए, भांग चढ़ाना चाहिए, भस्म चढ़ाना चाहिए और शिव जी की स्तुति करना चाहिए। रुद्राष्टकम का पाठ यदि आप श्रावण भर करते हैं तो धन का लाभ, सुंदर संतान की प्राप्ति, उत्तम संतान के साथ साथ में उत्तम पद की भी प्राप्ति। इस ये श्रावण माह का विशेष महत्व है, इसमें भगवान शिव की अविरल कृपा बरसती है। श्रावण माह में पार्थिव शिवलिंग बना करके 11 शिवलिंग और उनका पूजन किया जाए, विधिवत पूजन करने के उपरांत उनको जल प्रवाह किया जाए। यदि ऐसा लगातार पूरे श्रावण माह किया जाए तो आप जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। कोई भी इच्छा मन में आ जाए तो भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की कृपा सावन माह में रहती है और सावन माह में ये कहा जाता है कि चांदी का नाग नागिन शिवलिंग पर अर्पण किया जाए त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन या किसी सोमवार के दिन, तो पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप 5 सोमवार या 5 बार आप हर त्रयोदशी को श्रावण माह से प्रारंभ करें और चांदी का जोड़ा नाग नागिन चढ़ा दें, हर सोमवार चढ़ा दें, इस तरह से 5 सोमवार कर दें तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। श्रावण माह में चना को उबाल करके उसको प्रसाद में देना लाभकर माना जाता है। श्रावण माह में गेहूं को उबाल करके और उसको प्रसाद में दिया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। श्रावण माह में पंचामृत घर में आटे का या रवे का बनाकर रखें, खाएं खिलाएं, बड़ा लाभ होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु संतुलन में आ जाते हैं, क्रोध कम होता है, परिवार में आपस में तालमेल हो जाता है, धन का भी लाभ होता है। श्रावण माह में जल संचय करना चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जल वृष्टि बहुत होती है। श्रावण माह में अगर जल को, आकाश के जल को किसी पात्र में भर लिया जाए, आकाशीय जल को, उस जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो वैसा फल कि गंगा जी से कई करोड़ गुना ज्यादा फल हो जाता है। आकाश के जल का अभिषेक करना कई करोड़ गुना, शिव महापुराण में कहा गया है कि आकाश जब जल वृष्टि हो, पानी बरसे, किसी पात्र में जल को इकट्ठा कर लें और उसी जल को आप शिवलिंग पर अभिषेक करें तो कई हजार गुना फल आपको मिलता है सामान्य जल से, और गंगा जल से भी कई हजार गुना ज्यादा फल, इस तरह कहा गया। रुद्राय नीलकंठाय अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमो नमः, ये पौराणिक मंत्र है। इसका नाम पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय जाप करना चाहिए, बहुत कल्याण होता है। शाम्ब सदाशिव नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय रक्ष 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 शिवाय नमः ओम, इसका जाप करें तो आपके जीवन में बहुत कल्याण होता है, जीवन मधुर हो जाता है, शिव जी की अविरल कृपा हो जाती है। और जिस पर शिव जी कृपा कर दें तो समस्त देवता कृपा करने लगते हैं।
तो आपने जाना श्रावण माह के महात्म को, अद्भुत महात्म है। हर सोमवार को व्रत रहना चाहिए, शिवलिंग पर अभिषेक करें। आपको पंचामृत अगर नहीं उपलब्ध है तो जल का ही अभिषेक कर दें, नंदी को जल का अभिषेक कराएं, भगवान गणेश को अभिषेक कराएं, बहुत कल्याण होता है। आप शिव मंदिर में चले जाएं, आपकी हाजिरी लग जाती है। आप प्रणाम करें, श्रावण माह में समस्त ब्राह्मण, कहा जाता है शिव समान हो जाते हैं। श्रावण माह में ब्राह्मणों की पूजा करना, पूजा का अर्थ उनको सम्मान देना, उनको दक्षिणा देना, उनसे घर में स्तुति करवाना, रुद्राभिषेक कराना बड़ा कल्याणकारी होता है। कई कई जन्मों के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। तो श्रावण माह में जो ब्राह्मण गण हैं, विप्र गण हैं, वो शिव समान हो जाते हैं, रुद्र समान हो जाते हैं। उनके सम्मान करना, पूजा करना लाभकर होता है। तो आपने जाना श्रावण माह के महात्म्य के बारे में। अब वक्त हो गया है छोटे से अल्पविराम का। अल्पविराम के बाद आएंगे धनुराश से लेकर मीन राश, दैनिक राश पर आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं धनुराश से मीन राश तक दैनिक राशफल के बारे में। धनुराश के जातक संकीर्णता को त्याग दें, तीर्थों में या तीर्थ यात्रा करने का योग बना हुआ है, गायत्री मंत्र का जाप करना श्रेयस्कर है, पीले फलों का दान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें, शुभ अंक आपका 9 है, भाग्य आपका 91% है। मकर राशि के जातक भगवान शिव की उपासना करना बड़ा लाभकर होगा, क्योंकि तो आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है शिव भगवान उसको पूर्ण कर देंगे। संतान की या परिवार की उन्नति की या इस तरह की जो भावना है वो पूर्ण हो जाएगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो शिव भगवान की विधिवत पूजा करना आपके लिए लाभकर है। बिल्व पत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर आप उसको चढ़ाएं, बहुत कल्याण होगा। बेर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, इस तरह से करेंगे तो बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करना है, शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 77%। कुंभ राशि के जातक संपत्ति में विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति में विवाद होने का योग बना है, संतान के द्वारा लाभ होगा, अचानक मित्र के द्वारा भी लाभ का योग बना है, वाहन दुर्घटना का योग है। सोच समझ करके बहुत सावधानी से वाहन चलाएं। और आज के दिन छोटी छोटी घंटी शिव मंदिर में दान करें, बड़ा लाभ होगा। आपको चाहिए गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लें, शुभ अंक आपका 5 है और भाग्य आपका 57% है। मीन राशि के जातक परिजनों का सम्मान करें, पका हुआ चावल गाय को खिलाएं, बड़ा कल्याण होगा। और बरगद का वृक्ष में दूध पानी मिश्रित जड़ पर डालें और गीली मिट्टी का अनामिका उंगली से दोनों भावों के बीच में तिलक करें तो धन लाभ होगा और संपत्ति में विस्तार होगा। संतान के द्वारा लाभ का योग बना हुआ है। अचानक आपका परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो जाए या आप स्थान परिवर्तन कर लें, इस तरह का योग बना हुआ है। और आज के दिन आपको चाहिए कि आप सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर लें, शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 62%। आइए मूलांक के अनुसार समझें जानें कि आज के दिन को बेहतर करने के लिए उन छोटे सरल कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा आज का दिन बहुत उत्तम हो जाए। मूलांक 1, आज चावल के कुछ दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, बड़ा कल्याण होगा। मूलांक 2, जल शिवलिंग पर आप ले जाएं, चढ़ाएं, अर्घ दें, बहुत कल्याण होगा। मूलांक 3, आज तुलसी दल नारायण को अर्पण करें, बहुत कल्याण होगा। मूलांक 4, लाल मिष्ठान माता दुर्गा को अर्पण करें, बहुत लाभ होगा। मूलांक 5, सूर्य नारायण को कनेर का पुष्प अर्पण करें, भाग्य में वृद्धि होगी। मूलांक 6, आज मदार के पत्ते 7 पत्ते भगवान गणेश और नंदी को अर्पण करें तो लाभ होगा। मूलांक 7,
आज केले के पत्र पर यदि आप भोजन कर लें बड़ा कल्याण होगा, या केला खिला दें लोगों को स्वयं खा लें तो लाभकर होगा। मूलांक 8 लौंग के 51 लौंग की माला बनाकर श्री हनुमान जी को अर्पण करना, आपके सब काम बनेंगे। मूलांक 9 आज 9 हल्दी की गांठ एक गुच्छा बना करके माता दुर्गा को अर्पण करना लाभकर होगा। तो मूलांक पे हमने जाना उन छोटे सरल उपायों को जिनको करने पर दिन में शुभता बनी रहेगी। अब आइए दिन को बेहतर करने के लिए एक सलाह ले लें। आज की सलाह है, रात्रि में जब आप सोने चलें तो नमः शिवाय कहते हुए जपते हुए सो जाएं तो बड़ी अच्छी नींद आएगी और बहुत आपको लाभ होगा। तो आज के संक में बस इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार।